मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बिजली बिल और खाद्य संकट का मुद्दा छाया रहा। दोनों मुद्दों पर बहस के दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर गया। भोपाल के कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कोरोना काल में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर सवाल खड़े किए। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 रुपए 100 रुपए बिजली का बिल आता था, और जो बिजली मंत्री है यही वहाँ कहते थे कैबिनेट में कि आपका फोटो लगाओ कमलनाथ जी, बड़ी अच्छी योजना है। और सरकारी कर्मचारियों के 100 रुपए आते थे, और आज गरीब आदमी के झुग्गी में रहने वाले के हजारों के लाखों के बिल आ रहे हैं, इसका हमें विरोध। वहीं विदिशा के कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने आरोप लगाया कि सरकार लोक अदालत और बिजली बिल समाधान योजना के माध्यम से किसानों को नोटिस भेजकर वसूली कर रही है, इसे रोका जाना चाहिए। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसके जवाब में कहा कि यदि किसी उपभोक्ता का बिजली की खपत से ज्यादा बिल भेजा गया है तो उसे सुधारा जाएगा। जिनके पास बिल है, जो कोरोना काल में फ्रीज किए गए थे, जिन्होंने इस स्कीम के तहत फार्म भर दिए हैं, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर उसका बिजली का बिल है, कोरोना काल में वो स्थगित हुआ है, तो उस बिल पे छूट देंगे। इसी तरह कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ध्यानाकर्षण में प्रदेश में खाद्य संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने के कारण परेशानी हुई, खाद की कमी के चलते किसानों को सड़क पर आना पड़ा और पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वो प्रतिबंध हटा दिया और पूरा खाद गोदामों में न भर के व्यापारियों के गोदाम में चला गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पैदा गया खाद का संकट है, आज भी पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इसके जवाब में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं थी। कमल पटेल ने खाद की कमी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए राम पवार की रिपोर्ट। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।